हाय गाइस, इज उमा, वेलकम टू मई चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मैक के साथ गेट रेडी विथ मी। मेरे पास जो मैक का प्रोडक्ट्स है उसके साथ ही मैं ये जो लोग से ये क्रिएट किया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है, बहुत ही जल्द आप इसे क्रिएट कर सकते हो और मैं रिव्यूज़ भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं। लेट्स टेक द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए उमा ब्लॉग्स चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। मैंने मेरे फेस पे फ़िलहाल जो लगाया है वो है सिर्फ मॉइस्चराइज़र, और फिर मैं मेरे फेस को प्रेप करने के लिए ये यूज़ करूँगी। ये है मैक की तरफ से प्रेप प्लस प्राइम फिक्स। इसके अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे किया है, आप चाहे तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके रिव्यू पर आ जाती हूँ। ये एक प्लास्टिक का बॉटल है और इसका जो मटेरियल है, क्वालिटी है, वो हाई क्वालिटी है। और ये ऐसे ही अभी लॉक किया हुआ है, तो इसे अगर ऐसे ही घुमाएंगे तो ये अभी ओपन हो गया है, तो आप इसे आराम से स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो स्मेल है, ओ माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसकी स्मेल, ठीक। और इसकी दो तीन टाइप की वैरायटीज़ भी, ये एकदम नॉर्मल वाला है, प्लेन वाला जो मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स है। और इसका और भी एक आता है, आई थिंक लैवेंडर का आता है, रोज़ का आता है, कोकोनट का कुछ ऐसा आता है, तो मैंने नॉर्मल वाला ही परचेज़ किया है, ठीक है। तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर पहले स्प्रे कर लेती हूँ। थोड़ा आपको डिस्टेंस रखना है इसे स्प्रे करने से पहले, इस टाइम के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, फिर आप इस पे इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं। और ये बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है, क्योंकि आप इसे आराम से लॉक कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं। सबसे जो बढ़िया बात है कि आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन को प्रेप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली एक मेकअप फिक्सर ही है, तो आप मेकअप करने के बाद इसे अपनी मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि वो 6 to 7 hours तक अपने आपके फेस पे मेकअप को अच्छे सेट करके रख देता है। तो मेरी फेस जो अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है, फिर मैं मेरे फेस पे अप्लाई करूँगी मैक का जो स्टूडियो फिक्स जो फाउंडेशन है, ये इसका मैं रिव्यू भी करने वाली हूँ। तो ये मैंने परचेस किया था नायका से, तो इसके अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कर चुकी हूँ मेरी चैनल पे, आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते। सारे लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और इसके बेस्ट बाय लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। ये है मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन, ये बेसिकली एक पाउडर प्लस फाउंडेशन है। तो मेरी जो शेड नंबर है ये NC30 है। मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि NC30 है, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसके लिए। मेरे लिए ये जो शेड है ये थोड़ा सा लाइट हो चुका है, तब तक मैंने इसे ऑनलाइन में परचेस किया था। मुझे नहीं पता था कि कौन सा शेड मैं परचेस करूँ मेरे लिए, तो इसकी वजह से मैंने NC30 परचेस किया है। तो ये मेरे स्किन में अच्छे से चल जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकती। और भी बहुत सारी शेड नंबर्स हैं, आप बेटर होगा कि आप ऑनलाइन में परचेस ना करो, आप मैक की जो स्टोर है वहाँ पे जाके परचेस करो, ठीक है, मेरी सजेशन ये रहेगी, ठीक। तो इसका जो मटेरियल है ये प्लास्टिक का है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और इसे आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे प्रेस करना पड़ता है और फिर ये ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे मिरर है, बहुत ही हाई क्वालिटी का मिरर दिया जाता है, और ये है प्रोडक्ट। तो फिर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक दिया गया है, एक फाउंडेशन लगाने के लिए एक पफ, जिसे आप आराम से अपने फेस पे फाउंडेशन लगा सकते हैं, मतलब इस पाउडर को लगा सकते हैं। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है और बहुत ही क्यूट सा पैकेजिंग है और क्वालिटी भी बहुत हाई है। जो शेड है, तो ये मैं अब दिखा देती हूँ आपको क्लोजअप से। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी, तो इसके साथ जो पफ दिया गया है उसके साथ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे बेटर अप्लाई होता है, जैसे कि बहुत किसी ने बताया है। पहले मैं इसे एज अ फेस पाउडर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का जो फेस पाउडर ब्रश है वो, तो ये है वो फेस पाउडर ब्रश। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से लेती हूँ, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ, अब डस्ट ऑफ कर दी थोड़ा सा। तो मैं कवरेज आपको दिखा देना चाहती हूँ कि इंस्टेंटली आप देख पाओगे कि आपकी जो फेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। ये देखिए, फेस की जो आधा पोर्शन है मैं लगाया है ये फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो आप शायद देख सकते हैं।
मैं आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, हर जगह पे इसे अप्लाई करती हूँ। इसे मैंने परचेस करने से पहले मैंने बहुत बार सोचा था कि मैं इसे परचेस करूँ कि नहीं, क्या ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक चीज़ अपने साथ लेके घूमती हूँ तो मुझे अलग से फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से कॉन्सीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से फेस पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंस्टेंटली आपकी फेस से ये जो दाग धब्बे हैं, ओपन पोर्स है, नॉल है, जो वो अच्छे से ये कवर कर देता है। और आप शायद देख सकते हैं, ये मेरी जो आईज़ है, इसके नीचे डार्क सर्कल से ऊपर आप शायद देख सकते हैं डार्क सर्कल से भरा हुआ है, इसमें भी था, तो ये एकदम अच्छे से कवर हो चुका है। ये देखिए, मैंने ज़्यादा लिया भी नहीं है, आधा मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है, फिर भी शायद आप देख सकते हैं। अब मैं मेरे पूरी फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। तो अगर आप इसे ज़्यादा कवरेज चाहते हो तो आप इसे धीरे धीरे इसे बिल्डअप कर सकते हो। फेस पाउडर, पाउडर फाउंडेशन की यही खासियत होती है कि आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता है, तभी तो ही जाके ये फाउंडेशन का काम आएगा, ठीक है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी पूना स्टोर का जो फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है वो, तो मैं इसमें लगाती हूँ और फिर इसे अच्छे से एज अ फाउंडेशन की तरह, जैसा मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ वैसा ही मैं इसे अभी अप्लाई करूँगी, धीरे धीरे बिल्डअप करूँगी। शायद आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से पूरी जो फेस की जो फ्लॉज है वो ऑलरेडी छुप गया है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। बहुत ज़्यादा वाइटिश लग रहा है मेरी फेस पे, लेकिन ठीक है, कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल भी नेचुरल एक लुक आ जाएगा। शायद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से सब कुछ कवर हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है गाइस, पाउडर फाउंडेशन। आप अगर सोच रहे हो कि आप अलग से फाउंडेशन परचेस करोगे, कंसीलर परचेस करोगे, फेस पाउडर परचेस करोगे, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत अमाउंट आप इस पर डाल दो कि ये बहुत अच्छा काम आएगा। ये मैंने परचेस किया था, आई थिंक सितंबर में परचेस किया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है, मैंने बहुत यूज़ किया। बहुत सारी फंक्शंस थी मेरी, मैंने वहाँ पे हमेशा इसे यूज़ किया है। जब मेरी फेस ऑयल हो जाता है, ऑयल ऑयली फील होता है, मैं इसे यूज़ किया है। मेरी बैग में हमेशा ये रहता है, अभी फिलहाल मेरी एक फेवरेट चीज़ बन गया ये मेकअप पाउडर प्लस फाउंडेशन। और एक चीज़ है कि ड्राई स्किन के लिए बता देना चाहती हूँ कि बहुत किसी की गलतफहमी है कि पाउडर फाउंडेशन लगाएंगे तो मेरी फेस जो है जिसकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है उसकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ड्राई आप नहीं कराएगा। आप अगर अपनी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दो फिर इसे अप्लाई करो, मैं इतना बता सकता हूँ, बिल्कुल भी ड्राई आप नहीं कराएगा, आपकी फेस जो है नॉर्मल रहेगा। और फिर आप इसके ऊपर आप चाहे तो मेकअप प्रिप प्लस प्राइम फिक्स भी यूज़ कर सकते हो, या आपकी फेस को अच्छे से हाइड्रेटेड रख देगा, उतना ज़्यादा आपको ड्राई फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अगर इसे सिंपली अगर इसे अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी आपकी फेस को बिल्कुल भी ड्राई आप नहीं कराएगा, जो कि इसकी बहुत ही अच्छी बात। 4 महीने तक मैंने इसे अच्छे से यूज़ किया है, मेरी फेस पर अभी तक कोई रैशेज एंड ऑल ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई सोच रहे हो कि मैक का प्रोडक्ट परचेस करोगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइजी है, ये है प्राइस हाई है गाइज, इतना मैं मानती हूँ, लेकिन ये बहुत टाइम तक चल जाता है। ये था मेरे पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट जिसे मैंने मेरे फेस को अच्छे से बेस जो मैं है मैंने बना। तो अब मैं झट से मेरी काजल आईलाइनर लगा लेती हूँ, फिर मैं झट से वापस आती हूँ। मेकअप प्रेप प्लस प्राइम फिक्स है वो मैंने मेरे फेस पे अप्लाई करूँगी, तो मैं आँखों को बंद करूँगी पहले। फिर तो जब भी कोई फाउंडेशन आप अप्लाई करो उसके ऊपर फिक्सर ज़रूर अप्लाई करना, ताकि ये बहुत ही अच्छी डिवी लुक देता है, बिल्कुल भी केकी केकी आपको नहीं लगेगा। लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे पास है तो वो है मैक की तरफ से लिपस्टिक जो है रूबी हू, तो ये भी काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक ही चीज़ है जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा कि ये लिपस्टिक बिल्कुल भी स्टे नहीं करता अपनी लिप्स पे। अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन एक चीज़ अब अगर इतना हाई प्राइस में अगर मार्केट में आ रहा है तो कुछ तो अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, कुछ देर तक अपनी लिप्स पे तो रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा तक स्टे नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो अब मैं इसे अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी, जो है काफ़ी स्मूथ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसकी कलर, लेकिन बहुत ही जल्द अब रेडी हो सकता है इससे, ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और बस काजल मैंने नॉर्मल वाला ही लगाया है, लेकिन जो मैंने रेडी हुई वो मैक के प्रोडक्ट से ही मैंने मैक को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हिट लाइक है मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन है। मैंने एक चीज़ बताना भूली गई कि ये जो पाउडर फाउंडेशन है बहुत देर तक अपनी फेस पे स्टे करता है, जैसे कि 7 to
10 आवर्स आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये था मेरी आज की वीडियो मैक की प्रोडक्ट के साथ गेट रेडी विथ मी। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के बारे में आपको कुछ भी बताना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आगे चल के और भी अच्छी अच्छी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलती हूँ, तब तक